नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। अवैध कॉलोनी काटी गई पर हुई खानापूर्ति। तहसील कार्यालय के नज़दीक बनी चारद्वारी को पूरी तरह से तोड़ा गया। जिला नगर योजनाकार विभाग द्वारा की गई कार्रवाई बनी लोगों में चर्चा का विषय। पलपल पंचकुला से तारा ठाकुर की खास रिपोर्ट। जिला नगर योजनाकार विभाग द्वारा शुक्रवार को राय पुरानी में अवैध निर्माण को लेकर के उसे गिराने का एक अभियान चलाया गया। इस कार्रवाई में जिला योजनाकार अधिकारी प्रियम भारद्वाज तथा तहसीलदार वीरेंद्र सिंह बतौर ड्यूटी मजिस्ट्रेट मौजूद रहे। इसके अलावा जिला योजनाकार विभाग की टीम के सदस्य तथा भारी संख्या में पुलिस बल तोड़फोड़ दस्ते के साथ वहां मौजूद रहा। लोगों में विभाग द्वारा शुक्रवार को की गई तोड़फोड़ चर्चा का विषय बनी रही, क्योंकि त्रिलोकपुरा चौक पर अवैध रूप से काटी जा रही कॉलोनी पर जिला नगर योजनाकार विभाग की टीम द्वारा खानापूर्ति की चर्चाएँ भी पहले काफ़ी होती रही है, क्योंकि उन्होंने पहले टीम द्वारा 1 से 1.5 फीट तक गड्ढा ही खोदा गया जो कि खानापूर्ति का एक हिस्सा था। टीम आगे की कार्रवाई के लिए तहसील कार्यालय के नज़दीक एक प्लाट पर बनी चारद्वारी की कार्रवाई करने के लिए चली गई थी। वहां पर टीम द्वारा चारद्वारी को पूरी तरह से तोड़ा गया था। स्थानीय लोगों का कहना है कि विभाग के कर्मचारी मिली भगत कर क्षेत्र में कार्रवाई करते हैं। नाम है आपका, आज डिपार्टमेंट द्वारा यहाँ पे अवैध कॉलोनी जो काटी गई है इस पे कार्रवाई की गई है, किस तरह से देखते हो इस कार्रवाई को? भाई साहब, मेरा नाम नरेंद्र कुमार है और मैं यहीं के रेफरेंस रहने वाला हूँ। आपने देखी है कि पहले भी टाउन एंड कंट्री प्लानिंग आती है, इन लोगों ने पहले किसी की दुकान बनी हुई है, किसी का मकान बना है, पूरे का पूरा गिरा के जाते हैं। ये लोग कभी टाउन एंड कंट्री प्लानिंग वाले ये नहीं देखते थे कि अगले का कितना पैसा लगा हुआ है, इसने कैसे पैसा लगाया, कैसे नहीं लगाया। और आज जो यहाँ पर आए ना, यहाँ तो सर इन्होंने आपके सामने ये देखा है, आपने कोई 1.5 फुट की छोटी सी खाल खोदी है, उसके बाद ये लोग चले गए। अभी भी ये लोग बोल रहे हैं कि हम बस स्टैंड से आगे जाके कार्रवाई करेंगे। वहाँ कार्रवाई किस चीज़ पर करेंगे? जिस लोगों ने पैसा लगा रखा है। अब एक गरीब आदमी गाँव से आके बाहर से आके सोचते हैं कि चलो यार, हम शहर में जाते हैं, कुछ ना कुछ काम करेंगे, अपनी ज़मीन बेच के दुकान खरीदते हैं, दुकानें करते हैं, और ये लोग बनाने नहीं देते। सिर्फ अभी कार्रवाई किस चीज़ पर है? गरीब आदमी के मकान की या दुकान। बाकी जो पैसे वाले का सिस्टम है उसका कुछ नहीं होगा, वो तो वैसे का ऐसा ही है, जरा सी आए, 1 फुट की एक खाल सी खोदी और चले गए, क्योंकि यहाँ से पैसे का सिस्टम। कौन अधिकारी यहाँ पे आया था और क्या आप लोगों की कुछ बात उनसे हो पाई है इस विषय में? मैडम आए थे और गाड़ी में बैठे रहे, गाड़ी में से उतरे नहीं, बाहर आए नहीं, बाहर उन्हें देखा नहीं, मशीन गई या एक लड़का साथ में गया और उस लड़के ने जाके वहाँ पे कुछ नहीं किया। सामने आप देख रहे होंगे एक मकान बना हुआ है ताज़ा था, यहाँ तो उसने भी कोई ठोकर नहीं ना लगाई, भी जरा सा भी कुछ किया हो। अभी बस स्टैंड से आगे जाएंगे, वहाँ जाके किसी गरीब आदमी की दुकान या मकान गिराएंगे। आपने पहले भी देखा कि बस स्टैंड से परली तरफ जो लोगों ने मकान बना रखे थे, वहाँ इन्होंने कैसे कैसे मकान गिरे, लोगों ने लेंटर तक गिरा दिए, लेकिन यहाँ क्या किया इन्होंने? यहाँ पर किया कुछ, आए थोड़ी देर बैठे शाम में और चले गए। कितनी कॉलोनी है, जो कितना एरिया में यहाँ पे अवैध रूप से? तकरीबन 9.5 एकड़ में, 9.5 एकड़ में बड़ी कॉलोनी कटी हुई है।